मैं यहाँ पर आ गई हूँ सुंदरी सिल्क में और मैंने डिसाइड किया है कि इस बार दिवाली में कुछ अलग उस तरह से थोड़ा सा रेडी हो सकते हैं, बिकॉज एवरी टाइम सूट या फिर नॉर्मल कुर्तियाँ ऐसे ही कुछ मैं पहनती हूँ, बट दिस टाइम आई थिंक साड़ी कैन बी अ बेटर ऑप्शन. मेरे पास अभी तक एक भी साड़ी नहीं थी. मे बस आई थिंक अब यहाँ से जो मैं लेकर जाऊँगी दैट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट साड़ी एवर. माई साड़ी मतलब अगर मैंने कभी पहनी है तो वो मम्मी की पहनी हो या वैसे वो भी कभी फोटोशूट में या वैसे. सो इन रियल लाइफ आई नेवर वोन इट. देर आर सो ब्यूटिफुल साड़ीज़, मैंने इतनी सारी यहाँ पर देखी एंड सिल्क आई थिंक उसकी स्पेशल बात ये होती है बिकॉज कि वो जितनी भी सिंपल और सोबर लगती है ना वेन यू wear it, it gives you a very rich and heavy look and these are pure authentic sarees and they are just beautiful. You have to die for them. Itni achhi hai. Ye ek saree hai. Mujhe iska jo color combo hai na wo mujhe bahut acha laga because gold, red, black. I think it's just amazing. Ye hai. और ये जितना ब्लैक टोन में जा रहा है दिस इज़ मोर ऑफ कलरफुल सॉर्ट ऑफ साड़ी, बहुत ज़्यादा कलरफुल और चेक्स और आई थिंक इट्स डिफरेंट और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही है. सो दिस वन. बाकी मुझे पर्सनली वाइट बहुत अच्छी लगती है. वाइट एंड सम सॉर्ट ऑफ कलर इन इट मैंने देखी नहीं है. कोई वाइट दिखाई है ना? आई थिंक ऐसी पूजा में या वैसे वी कैन डेफिनेटली वेयर इट एंड बहुत अच्छी लग सकती है. मुझे पर्सनली मैं सारी चीज़ों में वाइट बहुत ढूंढती रहती हूँ. आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू बाई दिस वन और नॉट बट मुझे अच्छी लगी, बहुत सुंदर रही है. सो वो ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आप पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करती हैं साड़ियाँ? आँखों को अच्छी लगनी चाहिए पहली बार. द कलर इट शुड मतलब समटाइम्स व्हाट हैपेंस कलर्स और आपको डिज़ाइन सब अच्छा लगता है बट व्हेन यू वेयर इट वो शायद आप पे सूट ना करे अच्छा ना लगे. सो ऑब्वियसली मैं जितने भी एक साइड में करती हूँ साड़ियाँ उसे पहन के आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सी कि कौन सी मुझ पे सूट करती है और कौन सी नहीं करती है और अगर साड़ी कर रही है तो कौन सी बेस्ट कर रही है.